under the topic of consumer behavior we are going to study types of utility so utility the power of a good to satisfy human want but it has mainly the two forms that we are going to express in our consumer behavior one that is the total utility and the other is the marginal utility total utility when we say it is the total amount of satisfaction that a consumer attains from the consumption of any good or from the consumption of any service so that can be in the form of the total consumption ke jo usko ek mukammal प्लेयर uh, कह सकते हैं हम अगर कहें तो सेटिस्फेक्शन कह सकते हैं या हम तमानियत कहें जो भी उसको है तस्कीन हासिल होती है ये उसकी टोटल कहलाएगी और लेकिन हमारी इकोनॉमिक्स डिसीजन में टोटल से भी ज़्यादा जो हमारे लिए अहमियत रखती है दैट इज़ द मार्जिनल यूटिलिटी अब मार्जिनल यूटिलिटी हम कह लें या हम इसको एडिशनल यूटिलिटी कह लें या टर्मिनल वर्ड हम अगर लें तो इसका मतलब है ये वो है यूटिलिटी जो उसको अपनी कमोडिटी का एक एडिशनल यूनिट हासिल करने से होती है अगर एक शख्स ऑलरेडी दस यूनिट्स एक कमोडिटी के कंज्यूम कर चुका है अगर हम कहें तो वो जो ग्यारहवा यूनिट है दसवें से ग्यारहवें के दरमियान का जो एक यूनिट को हासिल करके या कंज्यूम करने में जो उसकी तलब तस्कीन प्लेयर में जो चेंज आती है वो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कहलाएगी क्योंकि ये मार्जिनल यूटिलिटी को अगर हम फॉर्म में देखें तो ये फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ ए गुड और सर्विस ये हमारी इकोनॉमिक्स डिसीजंस के लिए बहुत अहमियत रखती है अब अगर हम इसकी एक एग्जांपल को हम हॉल हल करना चाहें तो हमने अगर कहा कि एक कंज्यूमर है ये चूंकि आपकी जो रिकमेंडेड बुक्स के अंदर जो एग्जांपल है हम उसी को लेकर चल रहे हैं यहाँ पे इसकी हम एग्जाम्पल को किसी भी फॉर्म में अगर कहें तो इट कैन बी एनी फॉर्म हम कह सकते हैं कि ये पिज्ज़ा के स्लाइसिस भी हो सकते हैं ये किसी छोटे बच्चे के लिए कैंडीज़ भी हो सकती हैं और एनीथिंग लाइक दिस तो हम कहते हैं कि जब उसने अगर वो एक यूनिट उसका लेता है तो उसकी उस वक्त टोटल यूटिलिटी अगर जीरो यूनिट लिया है तो वो यूटिलिटी भी उसकी ज़ीरो है और उसी हवाले से अगर हम देखें तो नंबर टू पे अगर उसने हम अगर काउंट करें तो हम कहते हैं कि उसके बाद उसने एक यूनिट लिया दो लिए तीन लिए चार लिए और इस फॉर्म में अगर हम देखें तो उसको हल करते हुए तो जब एक यूनिट उसने किसी भी पॉइंट का लिया तो हम सपोज करते हैं कि उसकी टोटल यूटिलिटी यूटिल्स अगर हमने उसको दिए कि वो टेन आए लेकिन जब उसने दूसरा यूनिट लिया तो तरह हमने यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग रूल प्रीवियसली हमने जब भी स्टडी किया है कि जब भी वो एक अडिशनल यूनिट या दूसरा या तीसरा जब आगे किसी चीज़ का लेता है तो उसके लिए उसकी जो यूटिलिटी है वो पहले से कुछ कम होती है तो जब सेकंड अगर वो यूनिट कंज्यूम करता है तो उसको हासिल करने के बाद उसकी टोटल यूटिलिटी एटीन हो गई थर्ड यूनिट लिया ट्वेंटी फोर हो गई फोर्थ लिया ट्वेंटी एट एंड लाइक दिस सेवन यूनिट्स को कंज्यूम करता है तो उस वक़्त अगर हम देखें तो उसकी यूटिलिटी ट्वेंटी है अब अगर इस पॉइंट पे जाके हम देखें कि जिस टाइम ज़ीरो और वन के दरमियान हम देखें कि वन तक वो गया तो ये एक की चेंज कहलाएगी तो फॉर दिस चेंज उसकी चेंज को हम देखें तो उसकी मार्जिनल मार्जिनलिटिलिटी टेन है और उसी तरीके से जब वन और टू के दरमियान को अगर हम देखें तो ये टेन टू एटीन में हम देखें तो दिस इज़ एटीन माइनस टेन डिवाइड बाई वन तो अगेंस्ट द चेंज ऑफ दिस कंज़म्पशन की जो क्वॉटिटी है अगर हम इसकी देखें कि ये जो क्वांटिटी है ये वन यूनिट हमने ली और जो चेंज इन टोटल यूटिलिटी है अगर हम उसको चेंज करें कि द चेंज इन टोटल यूटिलिटी की अगर हम दोनों यूनिट्स को लें तो वो हमारे पास एटीन माइनस टेन डिवाइड बाई वन वो एट आता है उसी तरीके से अगर हम किसी पाँच और छः वाले पॉइंट पर देखें तो ये थर्टी एंड थर्टी को मैं कहूँ तो थर्टी माइनस थर्टी डिवाइड बाय द चेंज ओवर वन दैट विल बी जीरो तो यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी हमारी सिफर हो जाती है तो दिस एडिशनल यूटिलिटी और द यूटिलिटी अटेन फ्रॉम वन एडिशनल यूनिट ऑफ द कमोडिटी दैट इज़ द मार्जिनल यूटिलिटी दैट इज द बेसिक यूनिट दैट गिव्स हेल्प इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ द कंजम्पशन ऑफ द कंज्यूमर तो कंज्यूमर हर एडिशनल यूनिट के तहत जब ये डिसीज़न करता है कि इसके लिए मैंने कितनी कीमत तय करनी है या मैंने इसके लिए किसी और यूनिट के साथ इसका तबादला करना है सब्सिट्यूट करना है तो वहाँ पे भी ये मार्जिनल यूटिलिटी उसको हेल्प आउट करती है कि वो दो शय अगर वो ले रहा है तो वो दोनों की मार्जिनल यूटिलिटी से कंपेयर करेगा तो जिस शेय की मार्जिनल यूटिलिटी उसके लिए ज़्यादा होगी वो उस चीज़ को प्रेफर करेगा और इन्हीं पॉइंट्स को अगर हम ग्राफ की शक्ल में एक्सप्लेन करें तो अगर हम यहाँ पे देखें कि अगर उसने पहले पॉइंट हमने वही अगर मैं प्रीवियस पे जाऊँ तो यही वाली जो लाइन हमारे पास कंजम्पशन की मौजूद है इसको हमने एक्स एक्सिस पे एक्सप्रेस किया है और यही वाले जो यूनिट हैं इसको हमने वाई के ऊपर एक्सप्रेस किया है तो टोटल यूटिलिटी का कर्व बनेगा और इसी एक्स एक्सिस के अगेंस्ट जब हम मार्जिनल यूटिलिटी को एक्सप्रेस करते हैं तो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व बनता है तो जब हम एक्स एक्सिस के ऊपर जितने यूनिट्स ऑफ कमोडिटी हमने कंज्यूम किए उसको अटेन्ड विद द टोटल यूटिलिटी प्लॉट करते हैं तो हम देखते हैं कि टोटल यूटिलिटी ऑफ द कंज्यूमर इज गोइंग टू इंक्रीज लेकिन अगर हम देखें वो इंक्रीज जरूर कर रही है लेकिन हर एक यूनिट के मुकाबले में हम जब उसको देखते हैं तो जो उसका लेवल ऑफ डिस्प्लेसमेंट है जो इस शेडिड कर्व से हमारे सामने नजर आ रहा है वो पहले के मुकाबले में वो एरिया रिड्यूस होता जा रहा है तो अगर हम देखें तो इसका मतलब है टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग बट एट डिक्रीजिंग रेट और उसी तरीके से उन्हीं यूनिट्स के अगेंस्ट जिस टाइम हमने मार्जिनल यूटिलिटी को प्लॉट किया तो हम देखते हैं कि पहले लेवल पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 10 यानी हाईएस्ट थी और उसके बाद ये रिड्यूस होती चली गई अब यहाँ पे अगर हम देखें तो मार्जिनल यूटिलिटी को हम स्ट्रेट लाइन से भी एक्सप्रेस कर रहे हैं और समटाइम्स इट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ कर्व आल्सो बट दैट शुड बी Negatively sloped, and that gives that the marginal utility will be decreasing or diminishing over the consumption of any commodity.